वो कंप्यूटर साइंस से अगर बीटेक करोगे, मैं कंप्यूटर साइंस से ही बीटेक हूँ, तो तुम्हें एक बड़ी ग्रंथ ही, रामायण ही पढ़ने के मिलेगा, पूरी कहानी ए टू जेड, बहुत बड़ा, इतनी मोटी बुक ही आती है लॉजिक गेट की, द सर्किट शोन इन फिगर। अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन जेई मेंस और नीट में लगभग हर साल पूछे जाते हैं, ट्रांजिस्टर की सर्किट एनालिसिस। अगर सर्किट एनालिसिस आपका टीचर पढ़ाया है तभी जाके ये क्वेश्चन कर लोगे, नहीं तो इसे बहुत डर लगता है भाई सबको। तो शोन इन फिगर द इनपुट वोल्टेज। अब देखो इनपुट वोल्टेज ये एक ट्रांजिस्टर का एक छोटा सा पीस है, यहाँ से इनपुट वोल्टेज आपने दे दिया वी आई, कितना दे दिया भाई 20 वोल्ट, यहाँ से हमने इनपुट वोल्टेज लगा दिया। अब बी, बी क्या होता है, एक बार मैं इसको ये यहाँ से बी, ये वाली जो वोल्टेज है यहाँ, ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द बेस एंड इमीटर, तो ये वाली जो वोल्टेज है बेस और इमीटर वो जीरो है यार, समझना। और बेस कलेक्टर और इमीटर, कलेक्टर इमीटर मतलब ये वाली जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, घबराना नहीं, अच्छे से पूरा समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है, जो ये जो बेस और ये है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है जीरो, अभी डिटेल में समझाऊंगा इधर। एंड वैल्यू ऑफ आई बी आई सी और बीटा, आई बी क्या है बेस करंट, इस वाले ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई सी क्या है इस वाले ब्रांच में कितनी करंट फ्लो हो रही है, और बीटा निकालना, बीटा क्या है करंट गेन है, कौन सा ट्रांजिस्टर है भाई, एन पी एन कॉमन इमीटर बेस है, तो ये आ जाएगा ये 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 एन और ये पी और ये एन, जहां से एरो निकलता है उसको हम बोलते हैं पी। चलो अब यहां से तुम देखोगे तो कैसे, पहले इसको एक बार ऐसे समझ लो, ऐसे एक ट्रांजिस्टर है ऐसे समझ लो, ठीक है, एक इस टाइप से है ऐसे समझ लो, ये के यहाँ से ये कलेक्ट, ये इमीटर है और ये बेस है और ये कलेक्टर है, समझ रहे ना, ये तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी ई बी है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी बी सी है, भी बी सी है, भी बी सी एस भी सी ई, नहीं नहीं बी बी, हाँ बी ई बी वी बी सी, और इसके क्रॉस ये जो टोटल वोल्टेज है वो भी सी ई है। तो अभी नहीं समझ में आया, इसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिख दो, ठीक है, देखो तीन है यार, तीन है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अलग है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अलग है, इन तीनों के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अलग है, यहाँ एक रेजिस्टेंस लिख दो, ये इसको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है कम होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये लो रेजिस्टेंस और ये हाई रेजिस्टेंस, इस टाइप से। अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा कौन किसके, ये बार बार ये यूज होगा, इसको समझ लो, ये इमीटर है और ये यहाँ पर बेस है और ये इधर कलेक्टर है, तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, ये वाला जो वोल्टेज है वो भी ई बी है, और इसके क्रॉस ये जो वोल्टेज है वो भी बी सी है, और इसके क्रॉस ये वाला जो वोल्टेज है वो ऑब्वियसली इन दोनों का सम होगा और भी ई सी है, ये समझ में आ गया। तो भाई वोल्टेज के रूल से, अगर वोल्टेज के रूल से अगर देखोगे तो इतना तो सबको आता होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो भी ई सी है, भी ई सी है वो होगा इन दोनों के सम, भी ई बी और प्लस भी बोलो बी सी के सम के इक्वल होगा। अब कौन कौन जीरो दिया है देखो, यहाँ पर देखो कौन कौन जीरो है, ठीक है, बी और सी जीरो है, बी बी ए वाला जो है बी जीरो है और सी जीरो है, तो भी बी सी भी क्या होगा, जीरो होगा। और इसी चीज़ को जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पर, इसी चीज़ को इस ट्रांजिस्टर में हम लोग ऐसे दिखाते हैं, समझना इसको, इसी चीज़ को इस ट्रांजिस्टर में ऐसे दिखाते हैं, बी बी और बी सी, और ये वाली जो है वो ये इसके ये वाला जो वोल्टेज है वो भी बी सी, ए भी जीरो है, सब जीरो जीरो है, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया होगा। अब चलो इसके इसमें जो करंट है, ऑब्वियसली देखो यहाँ वोल्टेज जीरो है और यहाँ 20 है और रेजिस्टेंस कितना है 4 लगा हुआ है, तो जो आई बी आई सी हो जाएगी, आई सी पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस जीरो और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 4 किलो ओम,
तो 4 किलो ओम इसको सॉल्व कर लो, ये यहाँ से IC मुझे मिल जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाई 4 किलो 10^3, तो ये जीरो ये ख़त्म हो गया और ये आ जाएगा 1/2 और 1/2 1/100, मतलब ये आ जाएगा 0.5 और इंटू 10^-2, तो ये मिली एम्पियर में दिया हुआ है। तो चलो ये 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10^-3 और ये पॉइंट मतलब 5 मिली एम्पियर आ जाएगा, दैट इज़ IC। IC कितना आ गया, 5 मिली एम्पियर, मतलब फर्स्ट ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता इस वाले ब्रांच में करंट। चलो अब हम निकालते हैं IV। IV कैसे निकालते हैं, चलो IV निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। डायरेक्ट ओम्स लॉ लगा देते हो, बट वो प्रेफरेंस नहीं करता हूँ मैं, यहाँ KVL KCL लगाया करो, बहुत अच्छे मज़े की चीज़ है। अब ये वाली सर्किट यहाँ पर देखो, यहाँ से चलो और सारे वोल्टेज नोट करो और यहाँ पहुँच जाओ। यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट, यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट, यहाँ से करंट ऐसे जा रही होगी, तो मैं यहाँ से चलूँगा और KVL लगा दूँगा, यहाँ पहुँच जाऊँगा, सारे वोल्टेज नोट करते चलूँगा। तो यहाँ से वोल्टेज इनपुट, समझ रहे, सबको लगाने आता, वायर पे चलने आता ना सबको, KVL करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से करंट इधर चला और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस IB और रेजिस्टेंस RB, इसमें जो रेजिस्टेंस है 500 किलो, यहाँ आ गए VB प्लस, यहाँ से इधर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस VBE जो कि ऑलरेडी जीरो है, फाइनली कहाँ पहुँच गए, भी यहाँ से भी जीरो जो ग्राउंड है, ग्राउंडिंग में है। तो सभी की अगर वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो ये भी ये 20 वोल्ट है और ये माइनस IB तो हमें चाहिए और ये 500 दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह आ जाएगा 500 और यह आ जाएगा जीरो, पहले ही निकाल चुके हैं भी जीरो है और ये ग्राउंडेड है, तो इसका वोल्टेज भी जीरो हो गया। तो यहाँ से जो IB की जो वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा 20/500 किलो था, तो 500 और किलो मतलब 10^3 था ये, तो इसको सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है, ठीक है। तो IB जो आ जाएगा, IB अब ये IB जो है माइक्रो में दिया, माइक्रो मतलब 10^6, तो 10^6 मतलब ये 3 जीरो से और मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ठीक है, तो 10^-6 ये बन जाएगा और ये 2 जीरो ये खा जाएगा और ऊपर बचा 200, 200, 400 मतलब 240, 40, मतलब 40 माइक्रो एम्पियर ये वाला चीज़, तो 40 माइक्रो एम्पियर ये देखो 40 माइक मतलब ये डी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब ये बीटा निकालना की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि दो ऑप्शन मैच कर गया, वैसे मैं कर दूंगा आपके लिए क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ हूँ, बट आप एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना, जब दो चीज़ निकलेगा तीसरा क्यों निकालोगे यार, टाइम बचाना ही तो गेम है। तो बीटा क्या है, बीटा होता है करंट गेन। करंट गेन मतलब क्या होता है कि जो हमने बेस करंट दिया, आउटपुट करंट जाके कितना टाइम्स एम्पलीफाई हो गया, एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का काम करता है, करंट को एम्पलीफाई कर देगा। तो जो आपने करंट दिया 40 माइक्रो एम्पियर दिया और आउटपुट ये 5 मिली एम्पियर मिला, तो देखते हैं कितना टाइम्स बढ़ गया, ठीक है। तो बीटा जो है वो होता है IC/IB, तो IC कितना है 5 मिली एम्पियर 10^-3 और IB कितना है 40 माइक्रो 10^-6, तो इसको सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 125 टाइम्स, ऑब्वियसली जो बीटा है वो 125 टाइम्स बढ़ गया होगा, मतलब जो आपने इनपुट करंट दिया आउटपुट में जाके 125 टाइम्स बढ़ जाएगा, एम्पलीफाई हो जाएगा, और होता भी है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है मेरे प्यारे बच्चों। मैं ज़्यादा टाइम इसलिए दिया हूँ, बेहतर तरीके से इसलिए समझाता हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है और ऑनलाइन क्लास में अगर नहीं समझ में आता है तो कितना इरिटेशन होता है, कितना गुस्सा लगता है, ये बात वो बच्चा ही समझता है और गंदे गंदे सब कमेंट लिखते हैं सब, तो इसलिए मैं सभी को ले साथ लेके चलता हूँ, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा को समझ में आ जाए, मतलब तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट हो, मतलब तुम अगर एक बार देख लिए तो सब कुछ समझ में आ जाए यार, बकवास नहीं। बहुत सारे चैनल पर